चलो स्टार्ट करते हैं। कल कहां तक हो गया था अपना? कल अपन ने कौन से एग्जांपल लिए थे बेटा? सन अर्थ, सन अर्थ इस सिस्टम तक हो गया था। सन एंड अर्थ सिस्टम तक हो गया था, है ना? चलो ठीक है, अगला एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं अभी, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वैसे तो ये भी हो गया था बट मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दिस इज द न्यूक्लियस, और ये हो गया मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Me, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, यहां तक की रेडियस आर है, एंड ये इसकी टेंजेंशियल स्पीड या जिसको आप ऑर्बिटल स्पीड बोलते हो, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, कौन बताएगा? न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? न्यूक्लियस में सर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चार्जेस रहते हैं सर। तो चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। और कितने प्रोटॉन होते हैं? जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, है ना? तो इसमें जो चार्ज आएगा न्यूक्लियस में दैट इज प्लस जेड ई, ठीक है। प्लस जेड ई क्यों लिखे अपन ने? और इसपे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस ई के बराबर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। So, charge on electron is equals to minus E and charge on proton is plus C, charge on nucleus. So, this is Q2 मतलब this is charge on nucleus, समझ गए? Charge on nucleus is plus Z. और फिर यहाँ पे क्या रहेंगे आपके? Protons भी रहेंगे, neutrons. तो इसमें इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो यहां पे दिस इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, एन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए सिंबल मैंने एन लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल कौन सा लिख दिया मैंने यहां पे? इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ई मतलब ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना? ये चार्ज, और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, एंड Me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड व्हाट इज आर हियर? आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द सेंटर। आप ऐसे भी लिख सकते ना, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्या बेटा? सर आर को डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। हाँ, वो भी बोल सकते हो। आर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सीलरेशन इधर है। तो विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको आप कूलम्ब फोर्स, इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए या इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिल रहा है यहां पे? इसको कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है।
तो आप यहां पे इलेक्ट्रॉन पे न्यूटन सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करोगे देन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे जो एक्सीलरेशन वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल. और मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ही आप क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स आप इसको बोल देते हो. ठीक है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, ये कौन सा फोर्स है, दिस इज कूलम फोर्स. ये कूलम फोर्स है हा? और कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इट इज वीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या फिर वीटी मतलब ये ऑर्बिटल स्पीड भी आप इसको बोलते हो, या ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, दिस इज ऑर्बिटल स्पीड, या जिसको आप टेंजेंशियल स्पीड बोलते हो. समझ गए कि नहीं. सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिस इज Q2, ये कितना है माइनस ई के बराबर, और इस पे कितना चार्ज है प्लस जेड ई, इसलिए कौन सा फोर्स है यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स है. अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज, तो इसलिए इसका डायरेक्शन मैंने इधर लिया. तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मिल रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ बनाए रखने के लिए, इट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम फोर्स. समझ गए कि नहीं, अरे क्लियर हो गया. अब आप यहाँ पे मैं अभी लास्ट का फॉर्मूला फिर से बताइए ना, कौन सा वाला बेटा, ये वाला सर, कूलम फोर्स का लास्ट फॉर्मूला. ठीक है सर, ये फॉर्मूला ऐसा है ना, यहाँ पे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे मान ले ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कोई Q1, और ये नेगेटिव चार्ज है कोई Q2, तो दोनों पार्टिकल और डिस्टेंस इनके बीच में आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. अगर प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन. तो ये जो फोर्स होता है, दिस इज फोर्स ऑन वन बाय टू या फोर्स ऑन टू बाय वन, इसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये है कूलम्स लॉ. ठीक है, कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझ गए सर, वो डायग्राम में Q2 है क्या, Q2 एक समझ एक Q1 और एक Q2 है, वन मिनट, एक Q1 और एक Q2 है, मैंने दोनों Q2 Q2 लिख दिया क्या, चार्ज ऑन न्यूक्लियस को क्या लिख देंगे अपन, Q1. अभी समझ गए ना. हाँ, तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली किसके इक्वल हो गया, ये वाले टर्म को आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यही वाला फोर्स है आपका. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. क्लियर हो गया अभी, क्लियर हो गया. एक चाहिए ना, मैं क्लास में लेट एंटर करूं क्या बेटा, सर मुझे एक और बार समझना है. अच्छा ठीक है, देखो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप लोगों ने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं. ठीक है, बिल्कुल बेसिक अभी अपन देख रहे हैं इसमें. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, कूलम फोर्स आप जिसको बोलते हो. ठीक है, तो ये जो कूलम फोर्स है ना, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. मतलब आप न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशन अगर लिखोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या भाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ आप इस पे लगा दो, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे. तो इलेक्ट्रॉन पे अगर आप लगाओगे तो भाई इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, अरे भाई इधर ही लग रहा है ना नेट फोर्स, क्योंकि एक्सीलरेशन भी इधर है. तो इक्वेशन ये बना दोगे आप, एम ई
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स आप इसको बोलते हो। तो एफ सी का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ सी इज इक्वल टू मास इंटू ए सी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी समझ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू पे Q1 Q2 पे मैं पूरे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, समझ गए सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सर। ओके अभी स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू। यस एंड नाउ एक और एग्जांपल अपन लेते हैं यहां पे अभी। ठीक देखो, जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये एक पार्टिकल है ऐसा, ठीक है, ये इस तरह से देख सकते हो अभी, ये भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सर, बराबर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ये तो अभी कॉनिकल पेंडुलम जैसा बन रहा है यहाँ पे, आप एक इस तरह से भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसा भी मोशन एक है ना सर्कुलर पाथ। मुझे बहुत फास्ट घुमाना पड़ेगा क्योंकि स्लो मोशन में तो घुमा नहीं पाऊंगा मैं, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा। ये ऐसा एक है, ये इस तरह से, ये ऐसा, ये इस टाइप का मोशन, ठीक है, समझ गए? अरे ये मोशन अभी स्लो मोशन में पॉसिबल नहीं है घुमा पाना मुझे, समझ गए ना? यस सर। तो चलो अभी अपन देखते हैं यहां पे, स्ट्रिंग एंड पार्टिकल सिस्टम, स्ट्रिंग एंड पार्टिकल सिस्टम अगर अपन ले ले तो यहां पे फर्स्ट अपन ने ले लिए इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। मान लो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब आप थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना, इस पे 3D डायग्राम में ले रहा हूं यहां, ठीक है, ये इस तरह से देखो यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने ये प्लेन इसलिए इमेजिन किया यहाँ पे कि आप उसको 3D में देख पाओ, तो दिस इज द, ये पार्टिकल हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द पार्टिकल और ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल यहाँ पे, दिस इज दियर टेंजेंशियल स्पीड है या फिर आप इसको ऑर्बिटल स्पीड बोल सकते हो,
एंड एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, समझ गए ना? और ये यहां पे घूम रहा है इस तरह से, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो अभी ये बताओ मुझे, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स? ये यहां पे बेटा स्ट्रिंग है, ये दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। तो ये थ्री डायमेंशनल व्यू हो गया इसका, और अगर आप इसको टू डायमेंशनली बनाओगे तो द डायग्राम इज लुकिंग लाइक दैट। ठीक है, टू डायमेंशनल डायग्राम ये ऐसा जाएगा, ये बन गया सेंटर, ये हो गया यहाँ पे पार्टिकल पी, ये स्ट्रिंग की लेंथ हो गई और ये इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड, जिसको आप ओमेगा इंटू एल लिख सकते हो, यहाँ पे ओमेगा आर लिखते हो क्योंकि आर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे आर का काम करता है। तो एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड दैट इज इक्वल्स टू आर, मतलब जिसको आप रेडियस बोलते हो, एंड ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, समझ गए ना? और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो पार्टिकल का मास सपोज एम है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अभी मुझे ये बताना है, आप वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को देख रहे हैं। ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है ना, ये कौन से प्लेन पे बन रहा है? ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, जिसपे सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अभी ये बताओ, पार्टिकल्स का मास एम है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगेगा इस पे, ये कौन सा आएगा? टेंशन फोर्स, और ये टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा नेसेसरी, ठीक है ना? दिस इज एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हियर एंड टी इज द टेंशन फोर्स। तो सेंट्री, अब इसमें ये वाले डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है यहाँ पे? सो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, ये पार्टिकल आपने लिया, ठीक है, नेट फोर्स अलोंग सेंटर इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और यही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैं अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो हम बार बार लिख रहे थे, अब मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, समझ गया ना? ये अंडरस्टूड है, ये आपको दिमाग में रखना, अभी उस स्टेटमेंट को अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे अलोंग द सेंटर जो फोर्स लग रहा है ये टेंशन फोर्स है एंड इट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मास इनटू वीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल लिखोगे आर की जगह पे? अरे हाँ या ना, जवाब दो। हाँ सर। ठीक है, यही लिखोगे ना, एम इंटू वीटी स्क्वायर बाय एल, क्योंकि रेडियस का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? स्ट्रिंग की लेंथ कर रही है, पार्टिकल और सेंटर से लेकर, ठीक है? तो टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और यही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू एम इनटू, या तो वी टी स्क्वायर बाई एल लिख दो या एम ओमेगा स्क्वायर एल लिख दो, तो एक ही बात है, समझ गए? हेलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भाई किसने प्रोवाइड कराया यहाँ पे? टेंशन फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराया, ठीक है? टेंशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी समझ गए या नहीं कि कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लोगे इस पेज पर भी। कौन से नंबर का पेज है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय
provided by T, T मतलब tension on string, string में लगने वाला जो tension force है ये necessary centripetal force provide कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल पे लगने वाला टेंशन फोर्स किसने लगाया, स्ट्रिंग ने लगाया, इसके कारण ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है। अगर मान लो किसी मूवमेंट पे ये रस्सी टूट जाए, ठीक है, अगर मान लो किसी मूवमेंट पे ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, पार्टिकल कैसा जाएगा, तो टेंजेंटली, हाँ टेंजेंटली जाएगा, है ना। अगर मान लो आपने इस रस्सी को यहां से काट दिया, ये यहां से आपने रस्सी को काट दिया या टूट गई, तो ये पार्टिकल यहां से सीधा ऐसा चला जाएगा, क्योंकि इसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो अभी यहाँ पे टेंशन फोर्स से मिल रहा है, वो किसी से मिलेगा नहीं, देन फाइनली द पार्टिकल विल मूव टेंजेंशियली। समझ गए? अरे समझ गए? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो आपको ये सोचना है कि अगर मान लो रस्सी ये कट जाएगी तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा। थिंक इफ द स्ट्रिंग इज ब्रोक, ठीक है, या ब्रेक, स्ट्रिंग अगर यहाँ पे टूट गई किसी कारण से, तो ये पार्टिकल कैसा जाएगा। तो ये पार्टिकल घूमता नहीं रहेगा बेटा, ऐसा भी नहीं आएगा, ये पार्टिकल कैसा जाएगा, इस तरह से आगे चले जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? स्क्रीन शॉट ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। हाँ, ओके। अब एक और सिचुएशन देखो, यहां पे मैं एक और सिचुएशन ले रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो घूम रहा है, बट जो पाथ है इसका, इट इज कॉनिकल पेंडुलम जैसा इसका पाथ बन रहा है, ठीक है ना। पेज नंबर टू थ्री सॉरी पेज नंबर थ्री, बट इट फॉर्म इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल एंड दिस इज सेकंड केस, इट फॉर्म कॉनिकल पेंडुलम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। अभी देखो ये कॉनिकल पेंडुलम जैसा फॉर्मेशन कैसा होता है इसका, देखो कॉनिकल पेंडुलम जैसा फॉर्मेशन ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा। समझ गए ना? अरे समझ गए? हाँ सर। ये कॉनिकल पेंडुलम जैसा फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो कॉनिकल पेंडुलम किस टाइप से बनेगी, यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, दिस इज अगेन ये सेंटर हो गया, यहां से आपने इसको होल्ड किया है, एंड नाउ द पार्टिकल इज सपोज यहां कहीं पे ये पार्टिकल आपने लिया, यस, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये है, लेकिन जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो ये है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, समझ गए ना। तो इस सर्कल में ये घूम रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? अरे कोई डाउट, अरे कोई डाउट है? डायग्राम समझ गए? तो अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को कौन प्रोवाइड करा रहा है। यहां पे मान लो एंगल कितने डिग्री का बन गया आपका, थीटा डिग्री का। टेंशन फोर्स हमेशा किधर आएगा, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वेट भी लगेगा mg नीचे। अभी मुझे ये बताओ विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, कौन सा फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जल्दी बताओ विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग। हाँ, टेंशन का कंपोनेंट। हाँ, टेंशन फोर्स का कंपोनेंट, वेरी गुड। टेंशन फोर्स का जो कंपोनेंट है, देखो आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर लो, ये एंगल थीटा है तो यहां पर का एंगल भी कितने का दिखेगा आपको, थीटा का। तो टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट ये आ जाएगा आपका, दिस इज
टी कॉस थीटा, ठीक है, ये टी कॉस थीटा हो गया, और एक कंपोनेंट ये इधर पे आ जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो ये सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, दिस इज सर्कुलर पाथ, समझ गए ना. तो ये वाले डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट आएगा दिस इज टी साइन थीटा, और जो सर्कुलर पाथ बन रहा है यहाँ पे, अब इसमें टेंजेंशियल स्पीड आपकी इस डायरेक्शन पे आएगी, दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ये इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है. तो दिस पॉइंट इज द सेंटर ओ, और ये सस्पेंशन पॉइंट मान लो ए पॉइंट पे आपने इसको क्या कर दिया है, होल्ड कर दिया था सर, ठीक है. सिचुएशन समझ गया, पूरी सिचुएशन समझ गए या नहीं, ये इस तरह से क्लियर हो गया. अरे समझ गए, हाँ सर, ठीक है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है बेटा यहाँ पे, विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, टी साइन थीटा. टी साइन थीटा कौन सा है इसमें, टी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज द टी साइन थीटा कंपोनेंट, ये यहाँ पे जो बनाया मैंने, क्लियर हो गया अभी, ये दिस इज द टी साइन थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इधर ऊपर, टी कॉस थीटा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है यहाँ पे, सो देयरफॉर T साइन थीटा, डायरेक्ट लिख दूं मैं यार, डायरेक्ट लिख दूं, ये सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ, दिस इज नॉट द सेंटर, दिस इज द सेंटर, और जिसके अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है यहाँ पे. सो नेट फोर्स अलोंग सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो अलोंग सेंटर जो कंपोनेंट है इट इज T साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू, या तो vt square divided by r लिखोगे या फिर m omega square r लिखोगे, जिसको आप centripetal force बोलते हो. लेकिन यहाँ पे radius ही अलग है and this is the length of string. तो आपस में आप length of string और इनको relate कर सकते हो यहाँ पे. and right triangle अगर देखोगे यहाँ पे, now right triangle this is a o p, इस right triangle पे a O, P, इस राइट ट्रायंगल पे देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर इज एल एंड हाइपोटेन्यूस इज सॉरी परपेंडिकुलर इट इज आर, हाइपोटेन्यूस इज एल, सो आर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, एल साइन थीटा. समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, देख लो अभी समझ गए या नहीं. हेलो, कहाँ पर से नहीं समझा सर, राइट एंगल ट्रायंगल एओपी से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल देख कौन सा वाला बना है, एओपी बना ना, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज आर अपॉन एल. हां तो अपोजिट साइड कौन सी दिख रही, ओपी दिख रही है, यस सर समझ गया. OP is R and L is length of string. तो length of string कौन सी है? AP is the length of string here. ठीक है? AP is the length of string. Clear हो गया अभी कि नहीं? Clear हो गया? हाँ sir. अच्छा इसमें जो T cos theta उसकी value किसके equal आएगी यहाँ पे? T cos theta किसके equal रहेगा? T cos theta किसके equal रहेगा? Sir MG. T cos थीटा यहाँ पर mg के इक्वल है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते अपन, अभी ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. ले लिए? Yes, sir. पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन. Some more system. मान लो मैं यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टिकल ले लेता हूँ. माइनस का टेस्ट टॉपिक क्या है? यही है सर्कुलर मोशन, यही है सर्कुलर मोशन, ठीक है.
यहां पे मैंने दो तीन पार्टिकल ले लिया, एक दो एंड ये थ्री, तीन पार्टिकल है। इसका मास m1 m2 m3, दिस इज स्ट्रिंग s1 s2 एंड s3, और इस पॉइंट को सेंटर आपने ले लिया, और अब ये जो पूरा सिस्टम है इसके अबाउट घूम रहा है, बट डायग्राम 1 मिनट। हाँ, फिर से सिचुएशन ये है, थर्ड केस, थ्री पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ पे थ्री पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं, मतलब द सिचुएशन इज लाइक दैट। ठीक है, ये ऐसा है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी एक पार्टिकल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा, ठीक है ना। दिस पार्टिकल इज m1 m2 एंड दिस इज m3, और यहां पर तीन स्ट्रिंग लगी हुई है, दिस इज s1 s2 एंड s3। सिचुएशन समझ गए, तीन पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहे, तीन पार्टिकल, अरे समझ गए कि नहीं, थ्री पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये तीन पार्टिकल। अब लेकिन ये जो डायग्राम है ना यहाँ पे, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, तीनों पार्टिकल का। एंड अब इसका 2D डायग्राम अगर देखोगे आप, ये 2D डायग्राम देखना, हाँ 2D डायग्राम में भी मैं क्या कर देता हूँ, पूरा नहीं लेता, सिर्फ ये एक कर्व ले लूं यहाँ पे मैं, दिस इज द सेंटर, एंड ये एक पार्टिकल हो गया, फिर ये एक पार्टिकल हो गया, फिर ये एक पार्टिकल हो गया यहाँ पे, दिस पार्टिकल इज m1, दिस पार्टिकल इज m2, दिस पार्टिकल इज m3। ठीक है, ये इसका सर्कुलर पाथ है, ये इसका सर्कुलर पाथ है, और ये इसका सर्कुलर पाथ है, समझ गए। तो ये तीन पार्टिकल हो गए, ये स्ट्रिंग s1, ये स्ट्रिंग s2 और ये स्ट्रिंग s3। तो s1 इज स्ट्रिंग बिटवीन o एंड m1, s2 is string between m1 and m2, and s3 is string between m2 and m3. डायग्राम समझ गए कि नहीं? हेलो, डायग्राम समझ गए? नो सर। अभी यहाँ पे तीन पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं बेटा, तीन पार्टिकल, एक नहीं, एक जैसे यहाँ पे अब एक स्ट्रिंग नहीं है, अभी ये जैसे एक सिंगल पार्टिकल ही है, तो जैसे ये स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ये स्ट्रिंग दिख रही है ऐसे, एक ये है एंड पे, ये m3 हो गया, एक को बीच में यहाँ पे बांध दिए तुमने m2, और एक ये हो गया यहाँ कहीं पे m1, और फिर ये तीनों घूम रहे थे सर्कुलर पाथ में, समझ गए? ठीक है, तो अभी टेंशन फोर्स देखो, यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर ये एक टेंशन फोर्स हो गया T1, इधर पे आ गया ये T2, ऐसे यहाँ पे ये हो गया T2, और इधर पे पीछे कौन सा हो गया T3, और ये कौन सा हो गया आपका T3, समझ गया कि नहीं? यस सर। और ये हो गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब तीनों स्ट्रिंग की लेंथ अगर ले लें अपन, तो इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, और इसकी लेंथ कितनी है L3 है, बराबर है? ध्यान से समझना, अभी तीन पार्टिकल को ले लिया आपने जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो किधर आएगा? इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, पहले वाले का, दूसरे वाले का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर लेकिन अलग आएगा, तीसरे वाले का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर बट इट इज डिफरेंट देन 1। तो ये AC1 AC2 AC3 हो जाएगा ये, ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं?
अरे समझ गए? हाँ सर। कोई डाउट अभी? तो अब सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट वाले पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्टिकल पे आप लगा देते हैं, फर्स्ट वाले पार्टिकल पे जब इक्वेशन लिखोगे तो ये आएगा T1 - T2 इज इक्वल टू M1 इंटू AC, मतलब M1 इंटू ओमेगा स्क्वायर R1। और पहले वाली की रेडियस कितनी आएगी, L1 या नहीं? Yes, sir. है ना, तो पहले वाली की रेडियस है M1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L1। नाउ दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले पार्टिकल में देखो, तो पहले वाले पार्टिकल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा है? T1 - T2 है। So, T2 - T3 रहेगा सेकंड का। हाँ, सेकंड वाले में अगर डायग्राम में देखोगे तो इट इज T2 - T3 इज इक्वल टू M2 इंटू AC। ये AC1 है और ये AC2 है, हाँ, सेकंड वाले के लिए। तो इट इज M2 ओमेगा स्क्वायर R2। तो सेकंड वाले की जो रेडियस है वो किसके बराबर है? थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। यहां तक आएगी रेडियस इसकी, तो ये हो जाएगा L1 + L2, हाँ या ना? अरे समझ गए? और तीसरे वाले पार्टिकल के लिए जब इक्वेशन लिखोगे इसके लिए, तो इट इज T3 ओनली, सिर्फ T3। तो T3 इज इक्वल टू M3 इंटू AC3। सो इट इज M3 ओमेगा स्क्वायर R3। और R3 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो एंगुलर वेलोसिटी सबकी एक जैसी, लेकिन तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी एक जैसी आएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी सभी की अलग अलग आएगी, और ये लेंथ हो जाएगी L1 + L2 + L3। तो R3 मतलब ये तीनों की लेंथ यहां पे बनेगी, समझ गए? अगर आप इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करोगे तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सबसे ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी किसकी रहेगी? सबसे बाहर वाले पार्टिकल की। तो VT1 दिस इज VT2 एंड दिस इज VT3, समझ गया ना? अरे समझ गया कि नहीं? ठीक है, ये सर्कुलर पाथ, यहाँ पे ये 2D डायग्राम बनाया मैंने और ये 3D डायग्राम बनाया था इसका, ठीक है। अच्छा VT1 बता सकते हो कि क्या होगा? VT1 VT1 की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? ओमेगा इंटू R1, ये वाली वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा R1, ये वैल्यू क्या रहेगी? ओमेगा R2, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? ओमेगा R3, ठीक है। अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो अभी देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे M3 पार्टिकल में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? M3 पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? सिर्फ T3? यस। M2 पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? M2 पार्टिकल पे T3 - T2। हाँ, T2 - T3। हाँ सर, T2 - T3। और M1 पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? T1 - T2। हाँ, अभी समझ गए कि नहीं? ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर? हाँ सर, यहाँ पे तीनों पार्टिकल्स के लिए तो एक ही स्ट्रिंग यूज हो रही है। नहीं ना बेटा, तीन अलग अलग है ना, ऐसा थोड़ी। देखो एक ही स्ट्रिंग यूज हो रही है, लेकिन चलो एक ही आपने धागा लिया, उसमें बीच में एक को बांध दिया, फिर बीच में एक को बांध दिया, फिर एंड पे एक को बांध दिया आपने, ठीक है। भले ही यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज हुई है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के बीच में आपने कहीं पे नॉट बना दिया या फिर कोई पार्टिकल और अटैच कर दिया, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, फिर आप उसको क्या हो रहा है? अभी ठीक है, आ गया? नो सर। दो मिनट रुक जावा जाएगा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अभी सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो एक सिंगल स्ट्रिंग है,
एक ही स्ट्रिंग में आपने ठीक है इनको पार्टिकल को बांध दिया, लेकिन अगर कहीं पार्टिकल तुमने बीच में अटैच कर दिया ना, भले वही रस्सी थी आपकी, वही स्ट्रिंग थी, फिर भी टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंशन फोर्स की वैल्यू पार्टिकल के दोनों तरफ कैसा लिखना पड़ेगा आपको? अलग अलग लिखना पड़ेगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। भले एक ही धागा था, लेकिन तुमने यहाँ पार्टिकल लगा दिया ना, तो ये एक अलग सेगमेंट हो गया, ये अलग सेगमेंट हो गया रस्सी का। सेगमेंट अलग हो गया, आप उसको सेपरेट ही मानना फिर, ठीक है? अगर रस्सी का सेगमेंट अलग हो गया है तो आपको उसको अलग ही मानना है, भले वो एक ही धागे की थी, एक ही मटेरियल की थी। हमें मटेरियल से मतलब नहीं होता, हमें सेगमेंट से मतलब होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। एक आंसर ले लिए? हेलो, ले लिए सर? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? पल्लवी, पल्लवी बोलो बेटा, पल्लवी स्क्रीनशॉट ले लिए? पल्लवी स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अरे कहाँ गए? हेलो आयुष, आवाज आ रही? आयुष, यस सर, ले ली स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े अपन अब। हाँ सर। अच्छा ये रेडियस समझ गए कि नहीं? रेडियस R1 की वैल्यू सिर्फ L1 है, R2 की वैल्यू L1 प्लस L2, R3 की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस L3। हेलो, यस सर, सर बता दीजिए एक बार। क्या सर? वो R1 की वैल्यू L1, R2 की वैल्यू L1 प्लस L2। R1 यहाँ तक है? यस सर। और R2 कहाँ से कहाँ तक आएगा? R2 ये वाला डिस्टेंस रहेगा, कितना आएगा? ये यहाँ से यहाँ तक L1 और यहाँ से यहाँ तक L2, तो L1 प्लस L2 ना। यस सर, समझ गए। ओके, ले लो अभी स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर डन सर। सर डन। Now next situation is like that, बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन ले रहा है अपना। पेज नंबर 5 आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन कुछ इस तरह से है, जैसे देखो यहाँ पे ये एक रॉड दिख रही है ऐसे, ये इतनी है ना? हेलो, अरे एक रॉड दिख रही है, इतनी है। यस सर। और फिर ये पार्टिकल है सर, तो ये रॉड भी घूम रही है और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से घूम रहा है फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है? मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, ध्यान देना। तो ये एक वर्टिकल सेक्शन हो गया जिसके अबाउट ये फ्री है पूरा सिस्टम रोटेट होने के लिए, और यहां पर ये एक लाइट रॉड आपने लिया, और फिर यहां पे स्ट्रिंग है एक ये, ठीक है? और यहाँ पे पार्टिकल अटैच है, तो दिस इज द स्ट्रिंग और ये क्या है यहाँ पे रॉड, और अब ये जो पार्टिकल है, नाउ दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और ये वाले सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। समझ गए सिचुएशन? समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। यस सर, समझ गए। हाँ
समझ गए, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका जो सेंटर है ये सेंटर है कि यहां पे सेंटर है पार्टिकल का, यहां आएगा ना सेंटर पार्टिकल का, यस सर। सो दिस इज दियर सेंटर, तो अगर इसको आप देखोगे यहां पे ये इसका सेंटर है, तो इतना डिस्टेंस मान लो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ रॉड और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, बट यहां पे थीटा डिग्री का एंगल बनता है, तो जो टोटल रेडियस है ये यहां तक की टोटल रेडियस है बेटा। अब इस पे ये टेंशन फोर्स है यहां पे, ठीक है, और ये mg इधर पे आएगा, बट जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स कंपोनेंट, हाँ या ना, दिस इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा इधर पे इसका, दैट इज कॉल्ड, ये इधर पे थीटा डिग्री का एंगल यहां पर भी बनेगा, तो ये कितना रहेगा, टी कॉस, सॉरी टी साइन थीटा ना, हाँ टी साइन थीटा विल प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, टी साइन थीटा, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, दिस इज टी कॉस थीटा एम जी, और टी साइन थीटा किसके बराबर आएगा यहाँ पे, दिस पॉइंट इज पी सपोज, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इन टू ए सी, या फिर t sin theta is equals to m into omega square capital R, capital R कहां से कहां तक का distance है, ध्यान देना, capital R is OP, OP मतलब ये distance, और ये वाले distance की value कैसे निकालोगे आप, बताओ जल्दी से, OP की value capital L plus X, X कहां से कहां तक का distance हो गया, ये वाला distance हो गया X, समझ गए, अरे समझ गए, ये वाला डिस्टेंस x हो गया, यहां तक तो l रहेगा ना, इतना कैपिटल l लेंथ ऑफ रॉड आया ना, हां सर, ये x है, तो x निकाल सकते हो कि नहीं, कितना आएगा x की वैल्यू, बताओ जल्दी से, x की वैल्यू कितनी आएगी, t sin theta, x की वैल्यू कितनी रहेगी, तो यहां पे तुम साइन थीटा अगर लगाते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एल, एंड व्हाट इज स्मॉल एल, यहां पे स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, क्लियर हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल इंटू साइन थीटा, सो कैपिटल आर इज एल प्लस स्मॉल एल साइन थीटा, so therefore t sin theta is equals to m into omega square l plus small l sin theta, and t cos theta की value किसके बराबर यहाँ पे mg के, तो this is the centripetal force, t sin theta is the centripetal force here, समझ गए अभी, हेलो, अरे समझ गए, yes sir, कोई doubt, कोई डाउट, हाँ स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, तो sir, देखो हाँ, तो अभी अपन ने जितना डिस्कशन किए उस पे आप लोग देखो नया कुछ नहीं है, वापस से फिर से आप न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना, नया कुछ कर रहे हैं क्या, पर नया कुछ कर रहे हैं क्या, no, sir. बस सर्कुलर मोशन हो गया, उसके बाद फिर से न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं आप पार्टिकल पे, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर के लिए आप क्या कर रहे हैं वहां पे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिख रहे हैं, बाकी जैसा करने का वैसे ही आप करते जा रहे हो, क्वेश्चन भी इसी तरह से इनके सॉल्व होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट, नो सर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सर, हाँ बोलो, ये केस फोर को क्या बोलेंगे, इस केस को यार ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, स्ट्रिंग भी है और रॉड भी यहाँ पे कनेक्टेड है, और फिर अपन ने लिखा, ठीक है चलो एक और सिंपल सा केस और लेते हैं, हो गया अभी, ये हो गया क्या, अब स्ट्रिंग की जगह मैं स्प्रिंग अटैच कर देता हूं, हो गया क्या, यस सर,
ठीक है देखो अभी पेज नंबर फाइव है कि सिक्स है ये फाइव है yes. अभी देखना एक केस और ना हो स्प्रिंग एंड पार्टिकल सिस्टम में ले लेता हूं यहां पे नाउ दिस इज पेज नंबर सिक्स स्प्रिंग एंड पार्टिकल सिस्टम यहां पे एक आपने स्ट्रिंग लिया पार्टिकल का मास एम है एंड दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग समझ गए ये नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की और स्प्रिंग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज के ये स्प्रिंग है बराबर है अब इसको सर्कुलर पाथ में अगर आप घुमाने लगोगे तो स्ट्रिंग क्या होगी स्ट्रेच होगी थोड़ी होगी कि नहीं होगी अरे समझ गए और ये सर्कुलर पाथ में आप इसको घुमा रहे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्प्रिंग स्ट्रेच होगी कि अभी उतनी नेचुरल लेंथ रहेगी सर स्ट्रेच होंगी हाँ दिस इज देयर सर्कुलर पाथ ये सर्कुलर पाथ है तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ये कौन से सर्कल में घूम रहा है दिस इज इन हॉरिजॉन्टल सर्किल स्प्रिंग पार्टिकल सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल सर्किल हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब समझ गए ना हॉरिजॉन्टल सर्कल अरे हॉरिजॉन्टल सर्कल समझ गए yes. ये इस तरह से दिस इज द सेंटर एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लाइक दैट क्लियर हो गया अभी कि नहीं क्लियर हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो अब इसमें जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ये कौन सा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स आया ना जवाब दो जल्दी से तो इक्वेशन क्या है कि विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स स्प्रिंग फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ये इसका मास एम है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बट अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर लिखोगे स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर लिखते हो आप स्प्रिंग फोर्स सिंस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स एंड दिस इज एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर एंड स्मॉल आर की वैल्यू क्या है देखो नेचुरल लेंथ इसकी एल नॉट है और एक्सपेंशन अगर एक्स आया तो दिस इज द रेडियस एल नॉट प्लस एक्स समझ गए व्हाट इज एक्स हियर एक्स इज एक्सपेंशन ऑन स्प्रिंग या एक्सटेंशन ऑन स्प्रिंग समझ गए एक्सटेंशन ऑन स्प्रिंग अरे क्लियर हो गया कि नहीं हेलो क्लियर हो गया यस सर इसकी नेचुरल लेंथ एल है जब इसको घुमाओगे तो फैलेगी कितना फैली एक्स फैली तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू के एक्स होती है के एल नहीं के एल नॉट नहीं ये तो इसकी नेचुरल लेंथ है फिर जब आप इसको घुमाओगे तो ये एक्सपांड होगी थोड़ी सी है ना एक्सटेंड होगी तो एक्स इज द एक्सटेंशन सो देयर फोर आप इस इक्वेशन को क्या लिखोगे एफ एस की जगह पे आप लिखोगे के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर R की जगह पे L नॉट प्लस X इज द रेडियस तो इक्वेशन इस तरह से बनेंगे समझ गए अरे समझ गए या नहीं समझ गए यस सर हाँ भी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी और आज के लिए इतना ही